ये उसे बहुत पसंद आएगा। बेटा, लड़की वालों ने हाँ कह दिया है, तो अब हम तुम्हारी भी मंजूरी समझें। अरे क्या हुआ, ये लो तुम्हारे लिए, ये हमेशा तुम्हें मेरी याद दिलाएगा। सॉरी, मैं हिम्मत नहीं जुटा पाया, अपने रिश्ते के बारे में किसी को नहीं बता पाया। ना तुम्हारे बगैर जी सकता हूं और ना ही अपने परिवार को दुखी देख सकता हूं। तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं। आजा रे, यूं ही तड़पाना तू मुझको। जान रे, इन सांसों में बस जा रही चाहते है, अगर आके मुझसे मिल जा तू, या फिर ऐसा कर धरती से मिला दे मुझको। तू ही रे, तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं। तुम्हारे बगैर मेरा क्या वजूद होगा, इन सांसों पर सिर्फ तुम्हारा हक होगा। इन सांसों का देखो तुम पागलपन के, आए नहीं इन्हें चैन। मुझसे ये बोली मैं राहों में तेरी, अपने बिछा दूं ये नैन। इन ऊंचे पहाड़ों से जा दे दूंगा मैं, अगर तुम ना आई कहीं मौत और जिंदगी तेरे हाथों में दे दिया। मैं हमेशा ये सोच के चुप रहा कि चार लोग दिखेंगे तो क्या कहेंगे, पर आज तक मुझे वो चार लोग नहीं दिखे जिन्होंने कई जिंदगियां तबाह की हैं। काश अगर मैं उन चार लोगों के बारे में ना सोचता तो ये तीन जिंदगियां बर्बाद नहीं होती। से जीऊं। आजा रे, यूं ही तड़पाना। वेरी हैप्पी, वेरी प्राउड टू से सी समथिंग। जान रे, वाह, इन सांसों में बस जा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुकुल, आपने आज यहाँ से डांस किया है और जो भी आपने किया है यहाँ तक पहुँच गया है, सो वेरी गुड, ग्रेट जॉब। थैंक यू। आई डोंट नो व्हाई आई शुडंट इवन वेस्ट टाइम, आई थिंक इट वाज सच अ ब्रिलियंट, ग्रेट जॉब, लव्ड इट। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। आई जस्ट वांट टू से कि अब मैं जो इस पैनल पे बैठी हूँ, ये एक्ट स्पेशली क्योंकि एक नई सोच लेके आए हैं आप, एक नयापन लेके आए हैं इस मंच पर, आई फील वेरी प्राउड। प्रतीक, सोच कहाँ से आई मैं जानना चाहती हूँ। माँ, हमने बहुत बार सुना है और दिस सो मच टू से, लाइक बोलते ना कि अ सोल हैज इट्स ओन लैंग्वेज, सो व्हाई आर वी, हम उसको जेंडर से क्यों रोक रहे हैं। इट्स लव, इट्स इमोशन, वो किसी के साथ भी हो सकता है। और कहीं ना कहीं लगा कि नहीं, आई थिंक अगर आज की जनरेशन, आज की युवा अगर स्टेप नहीं लेंगी तो ये कहीं ना कहीं ये मुद्दा कहीं छूट जाएगा और वापस लोग उसी को
गलत नाम से या गलत चीज़ों से पोक करते रहेंगे और वो दबता ही जाएगा. सो आई थिंक इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड फॉर हिम मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि ये मुद्दे को ऐसे रखना एंड रियली ब्लेस्ड टू हैव दिस ह्यूज प्लेटफॉर्म जिसने इतनी अच्छी तरीके से सहारा है उसको. अमेजिंग. मैं बहुत खुश हूँ एक्चुअली सोनी टेलीविजन इंडियाज बेस्ट डांसर कि हम बैठे हैं यहाँ पे. हम नयापन सिर्फ डांस में क्यों, सोच में क्यों नहीं ला सकते. एंड दिस इज अ रेवोल्यूशनरी एक्ट फॉर मी. आई लव्ड इट. यू नीड अ राउंड ऑफ अप्लॉज. थैंक यू. थैंक यू सो मच. ये जो मुद्दा आपने उठाया इसके लिए बहुत जिगरा चाहिए, लेकिन आपको अगर कॉन्फिडेंस है कि आपको ये कुछ दिखाना है और ये एक एक्ट है तो वो करने के लिए दाद दूंगा. हैट्स ऑफ टू यू. वेल डन. दैट इज वन. रही बात आपकी डांस की, ओके, एक लाइन आई धरती, वो आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया प्रतीक. यहाँ पर ENT एंटरटेनमेंट डेफिनेटली था, न्यूनेस पक्का, लेकिन टेक्निक मैं देखता हूँ और टेक्निक में थोड़ा कमी रह गई. आई एम गोइंग टू गिव यू अ 9. आपका टोटल है 29 आउट ऑफ 30. इंडिया 18 सितंबर 2016 आप शायद इस तारीख से वाकिफ होंगे. इसी दिन हमें और पूरी दुनिया को एक नया हिंदुस्तान देखने को मिला जब उरी आर्मी कैंप में हमारे फौजी भाइयों पर हमला हुआ तो हमने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि इस देश की रगों में अगर महात्मा गांधी के विचार दौड़ते हैं तो साथ में सुभाष चंद्र बोस का जुनून भी. हमने दुश्मन के घर में घुसकर उन्हें कभी ना भूलने वाली सजा दी. आज इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर इंडियाज बेस्ट डांसर का मंच उन शहीदों को दिल से ट्रिब्यूट देगा जो उरी के हमले में शहीद हुए थे. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.